Okay, so now we are going to talk about mesosomes. यस तुमने डायग्राम बनाया, बना नोट्स बनाया तुमने? दी। ओके, गुड, वेरी गुड। पेंसिल से बनाया था ना? ये सब पेंसिल से बना ओके, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस तो करना होगा ना। एक अच्छा बायोलॉजिस्ट बनना है तो एक अच्छा पेंटर बनना होगा, है ना? तुम्हें मालूम होगा, एक डॉक्टर, बहुत ही अच्छा इंजीनियर, बहुत ही अच्छा पेंटर और सब कुछ होता है, क्योंकि उन्हें ये सब कुछ करना पड़ता है ना? एक अच्छा टेलर भी होते हैं, क्योंकि वो लोग स्टिचेस भी देते हैं ना। सर। ओके, नाउ सी मीजोसोम्स। देखो, मीजोसोम्स या फिर इन्हें क्या कहते थे, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ड्राइट। मैं लिख देता हूँ, इन्हें कॉन्ड्राइट भी कहते हैं। मैं लिख ही देता हूँ, ये देखो, इन्हें कॉन्ड्राइट भी कहते हैं, ठीक है? अब ये क्या है, ये एक्चुअली में एक्सटेंशंस हैं किसके, सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है? मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर में दिखाया होगा कि ये अगर कोई सेल मेम्ब्रेन है तो उन्हीं का एक इनर फोल्डिंग है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीजोसोम, ठीक है? तो ये एक्चुअली एक्सटेंशंस है। इसमें एक लाइन लिख लो, सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया इनवेजिनेट्स। इनवेजिनेट्स मतलब होता है एक्सटेंशंस। इसमें लिखना इनवेजिनेट्स, सेल मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया इनवेजिनेट्स इन साइटोप्लाज्म एट डिफरेंट प्लेसेस। इन साइटोप्लाज्म एट डिफरेंट प्लेसेस, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, ओके लिखो फिर से, मैं एक बार बोलू, सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया इनवेजिनेट्स इन साइटोप्लाज्म एट डिफरेंट प्लेसेस, यस ओके, एट डिफरेंट प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ सर। वेसाइकल, ट्यूब्यूल्स एंड लैमिली। अब तीनों में डिफरेंस जरा मैं दिखाऊं तुम्हें, लैमिली में, ट्यूब्यूल्स में, वेसाइकल में। मैं स्ट्रक्चर से डिफरेंस दिखा देता हूं, मुझे लगता है वो अच्छे से समझ में आएगा, है ना? ओके, इसे कहते हैं वेसाइकल, ठीक है? जो फोन आता तो आवाज ही नहीं आता है। इसे कहते हैं ट्यूबुल्स, एक घंटा बाद इसे आना कहते जाओ। हैं लैमिली, एक घंटा बाद ठीक आना। है? इसे कहते हैं लैमिली। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर लैमिली में हमने ब्रांचिंग कर दिया तो उसको क्या कह सकते हैं, ट्यूब्यूल्स। क्या कह सकते हैं, ट्यूब्यूल्स, ठीक है? ठीक है, इसमें लिखना है, दीज आर फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर। These are functionally mitochondria-like structures, as they have oxidative enzymes, as they have, yes, they are functionally mitochondria-like structures, as they have oxidative enzymes. यानी यहां पर होता है ऑक्सीडेशन, यहां पर क्या होता है, फूड का ऑक्सीडेशन, ठीक है? और एनर्जी प्रोड्यूस करवा दिया जाता है, गॉट इट? माइटोकॉन्ड्रिया में भी यही होता है ना? रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। बट मीजोसोम का काम सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया तक ही नहीं होता, इनका और भी काम है। तो काम के ही आधार पर मीजोसोम को हम दो अलग अलग टाइप में बांटते हैं, ठीक है? तो लिख लो एक चीज, मीजोसोम्स आर ऑफ टू टाइप्स,
लिख लो ऐसा, ऑन द बेसिस एंड फंक्शन मीजोजोम्स आर ऑफ टू टाइप्स। अगर तुमने ये लिख दिया है मीजोजोम्स आर ऑफ टू टाइप, तो ब्रैकेट में लिख देना ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हमें लिखना है पेरिफेरल मीजोसोम। मैंने शायद इसके बारे में तुम्हें कल डायग्राम में थोड़ा थोड़ा दिखाया होगा, है ना? ठीक है, पेरिफेरल मीजोसोम्स। पेरिफेरल मीजोसोम्स क्या होते हैं? देखो मैं दो मीजोसोम बनाता हूँ, ठीक है, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। तुम मुझे बताओ कौन सा पेरिफेरल कहोगी और किसको तुम सेंट्रल मीजोसोम कहोगी। मैं फिगर नंबर 1, फिगर 2, फिगर 3, तुम मुझे बताओ। क्या फिगर 2 और 3 सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों है पेरिफेरल मीजोसोम, है ना? ये क्या है? पेरिफेरल मीजोसोम, ठीक है। और नंबर 1 क्या हो जाएगा? सेंट्रल मीजोसोम। ओके, यानी पेरिफेरी पे ये प्रेजेंट होते हैं, यानी ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। कहाँ? सेल मेम्ब्रेन के पास ही, ठीक है। और इनका मेन काम होता है रेस्पिरेशन करना सेल में और सेल वॉल सिक्रीशन। अब तुम बोलोगे ये क्या है सर, तो सेल वॉल तो पाए जाते हैं ना इनमें, बताओ किसके बने होते हैं? पेप्टिडोग्लाइकन के, राइट। तो ये पेप्टिडोग्लाइकन का सेल वॉल कौन बनाता है? मीजोसोम। कौन बनाता है? मीजोसोम। कैसे मीजोसोम? पेरिफेरल मीजोसोम, गॉट इट? ठीक है, तुम चाहो तो ये स्ट्रक्चर बना लो, नहीं तो छोड़ भी दो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक लाइन लिख लो पेरिफेरल मीजोसोम में, मैं लिखवाता हूं। दे आर सिचुएटेड नियर द सेल मेम्ब्रेन इन पेरिफेरल पार्ट। दे आर सिचुएटेड नियर सेल मेम्ब्रेन इन पेरिफेरल पार्ट। हो गया? ओके, एक और लाइन लिख लो। देयर फंक्शन इज सेल रेस्पिरेशन, देयर फंक्शन इज सेल रेस्पिरेशन एंड सेल वॉल सिक्रीशन। इन दोनों चीजों को अंडरलाइन कर लो, कोई अगर दूसरा कलर का पेंसिल या पेन है तो, सेल वॉल सिक्रीशन को और सेल रेस्पिरेशन को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बोलो परिकुल, हो गया? ओके, कैन वी मूव अहेड? ठीक है। अच्छा, आज मैं क्लास 1 घंटे लूंगा, ठीक है, और बाकी 1 मिनट और बाकी आधे घंटे हम लोग सवाल डिस्कस करेंगे, मतलब मैं सवाल पूछूंगा और जवाब तुम दोगी। ओके, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि तुम्हारा लास्ट जो भी मैंने टॉपिक करवाया है उस पे पकड़ होगा, है ना? ऐसा मैं मान सकता हूँ क्या? लास्ट टॉपिक मतलब आज तक जो मैंने पढ़ाया है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम से मैं भी वीडियो ऑन करूंगा और तुमसे भी वीडियो ऑन करने को बोलूंगा, इसलिए चैटिंग मत करना, मुझे लगता है कि तुम नहीं करोगे, है ना? हाँ, देखो क्या करते हैं बच्चे, चैटिंग करते हैं और क्लासेस में या स्कूल्स में बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए तुम खुद के बारे में मत सोचना। तो ऐसे में क्या होता है ना, वो बस वो चीजें सीख नहीं पाते हैं। और अगर हम ये मान के चलेंगे कि ठीक है मुझे नहीं आता, मैं सर से बोल दूंगा कि सर मुझे नहीं आता, तो कुछ एक गिल्ट भी फील होगा, तो हम मेहनत करके नेक्स्ट क्लास में आएंगे,
है ना, तब चीजें याद रहने लगेगी, है ना। देखो ये तो हमारा टाइम है प्रैक्टिस का, परफॉर्मेंस का टाइम कहाँ आता है, एग्जामिनेशन में, है ना। तो यहाँ तो भाई सीखेंगे हम, इसमें क्या लिखना है, इसमें लिख लो दे आर सिचुएटेड डीप इन साइटोप्लाज्म। एक लाइन बस लिख लो, दे आर सिचुएटेड डीप इन साइटोप्लाज्म। हो गया yes, थोड़ा फास्ट लिखना पड़ेगा, है ना। ओके चलो एक लाइन और इसमें लिखो, दे हेल्प्स इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी तुम्हें अंडरलाइन करना पड़ेगा। दे हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, अब ये क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा। दे हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन, एंड सेल डिवीजन, ठीक है। ओके तो चलो एक एक लाइन समझ लेते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन सेल डिवीजन क्या होता है। तुमने डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ देखा होगा ऐसा सा, ठीक है, ऐसा कुछ डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तुमने देखा होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का, राइट। और इसके ऊपर क्या रहता है, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स इनके, ठीक है, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे कुछ रहता है। तो ये तो है डीएनए, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि डीएनए खुद को रेप्लिकेट करता है, यानी मल्टीप्लाई करता है, एक से वो कितने बन जाते हैं, दो बन जाते हैं, ठीक है, फिर दो से चार, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इसे कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, इसे क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। और इसमें हम किसका अभी पढ़ाई कर रहे हैं, यू बैक्टीरिया का, किसका पढ़ाई कर रहे हैं, यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया में मीजोजोम इसमें हेल्प करता है, ये जो रेप्लिकेशन हो रहा है ना, इसमें हेल्प करता है मीजोजोम, गॉट इट। ओके दूसरा टर्म क्या था हमारे पास, सेल डिवीजन। ये तो तुम्हें पता है, एक सेल क्या होता है, डिवाइड कर जाता है, तो एक से दो बनता है। इसमें भी कौन हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है, सेंट्रल मीजोजोम, है ना, मीजोजोम हेल्प करता है, गॉट इट। अच्छा तुम्हें कंफ्यूजन तो नहीं है कि सर इतना दिन से हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, है ना, हमने किंगडम मोनेरा स्टार्ट किया था, ध्यान से सुनना, एक ओवरव्यू दे रहे हैं, और मोनेरा का हमने ओवरव्यू ले लिया था कि ये चीज होता है, ऐसा इसमें सेल होता है, ऐसा सेल वॉल होता है, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ऐसे रिप्रोड्यूस करते हैं, हमने एक ओवरव्यू लिया था, याद है तुम्हें? और उसके बाद हम पढ़ाई स्टार्ट कर दिए थे यू बैक्टीरिया का। फिर यू बैक्टीरिया में हम उनके पूरे सेल के बारे में पढ़े, हम उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके तो चलते हैं अब आगे। सेंट्रल मीजोजोम तुमने लिख लिया ना दोनों? यस सर। हाँ ठीक है, और अंडरलाइन किया तुमने? ओके अब बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज का, ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज मतलब क्या होता है, इसे कहते हैं स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, इन्हें क्या कहते हैं, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। ठीक है, अब स्टोरेज ग्रैन्यूल्स तुम्हें नाम से ही पता चल गया होगा, इसमें क्या होता है, रिजर्व मटेरियल रखते हैं, कौन, तो प्रोकैरियोट्स। तुम्हें पता है कि जब कोई बहुत ही खतरनाक सिचुएशन या अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, जब वो शिकार नहीं कर पाएंगे, है ना, या खाना नहीं उनके उनको मिलेगा, तो उनके अंदर जो रिजर्व मटेरियल होता है उसी से वो एनर्जी लेंगे, है ना। अगर ह्यूमन बॉडी का बात करें तो ह्यूमन बॉडी में भी रिजर्व मटेरियल होता है या नहीं होता, मुझे बताओ, बोलो बोलो, होता है या नहीं होता है? तुम बोलो कि सर होता ही है, इसमें कौन सा बड़ा बात है, आजकल तो सबको देखते हैं ना, फैट लेकर घूमता है अपने टमी के ऊपर, है ना, मैं गलत बोल रहा हूँ, बताओ। और भी पता नहीं कहाँ कहाँ लोग तो हाथी बन जाते हैं ना कुछ लोग, क्यों, मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में तो लोग ऐसे ही हो गए, बैठे बैठे, है ना, घर में बैठे रहते हैं और खाते 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 खाते, ना एक्सरसाइज कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं ठीक से, तो बहुत सारे लोग क्या हो गया,
बहुत ही ज्यादा ओवरवेटेड हो गए हैं, है ना। तो ये क्या है, एडिपोज टिश्यू में फैट जो डिपॉजिट हो रहा, ये किस लिए हो रहा है? कि अगर मान लो कभी भूखा रहना पड़े, स्टार्वेशन करना पड़े, तो ये क्या होता है, फैट को बर्न किया जाता है, यानी चेंज कर दिया जाता है किसमें, ग्लूकोज में, और फिर इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ इमरजेंसी के लिए कौन रखता है, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, और उसको क्या कहते हैं, इंक्लूजन बॉडीज। उसको क्या कहते हैं, इंक्लूजन बॉडीज। तो उसमें अलग अलग बॉडीज होते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा एक लाइन, तुम लिखना चाहो तो लिख लो, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। एक लाइन लिख लो, अगर लिख सकती हो तो लिख लो, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज लिख लिया। ओके, ठीक है, तो आगे आगे चलें, देखें इसका एक दो एग्जाम्पल। ओके, नाउ सी, हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ठीक है, ए ऑप्शन, सॉरी एग्जाम्पल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। अच्छा, ग्लाइकोजन यानी क्या लग रहा है तुम्हें, कार्बोहाइड्रेट जैसा कुछ, है ना, कार्बोहाइड्रेट है, तो ये किसे स्टोर करता होगा, कार्बोहाइड्रेट को, लिख दो, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट। हो गया, ओके, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद है वॉल्यूटीन ग्रैन्यूल्स, या फिर इसे हम लोग कहते हैं मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स। ठीक है, मैं ये भी नाम लिख देता हूं, मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स। पता है क्लास 11 का बायोलॉजी बहुत टफ है, याद करने के लिए भी, समझने के लिए भी। क्लास 12th का एक चैप्टर छोड़ के बाकी सब इजी है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा, और कुछ नहीं। अब ये क्या करते हैं, दे स्टोर फॉस्फेट। ये क्या करते हैं, फॉस्फेट को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, हैव यू रिटन, ओके। चलो, अब हमारे पास, मुझे नहीं लगता प्लास्मिड को छोड़ के कोई और मेम्ब्रेन बचा है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रोमेटीन मटेरियल का। कौन सा पॉइंट होगा ये, दूसरा, एक मिनट, नहीं, अच्छा सेवेंथ पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, चलो सेवेंथ पॉइंट, क्रोमेटीन मटेरियल। नोट्स देख ही रही होगी कितना ज्यादा बनता जा रहा है ना, और चैप्टर नंबर 5 नहीं, 6 तक। ठीक है, तुम्हें इतने सारे एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे, इतने सारे एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे कि मैं क्या बताऊं, कभी कभी तो मैं कंफ्यूज रहता हूँ। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे। देखो, क्रोमेटीन मटेरियल, इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, है ना। न्यूक्लियस तो कह ही नहीं सकते प्रोकैरियोट्स में, मैंने बताया था ना, इसे न्यूक्लियस हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसके न्यूक्लियस के बारे में जरा तुम ही मुझे कुछ बताओ, इस बैक्टीरियल न्यूक्लियस के बारे में तुम क्या जानती हो? बताओगी, कुछ भी बता दो, जो भी तुम्हें लगता है कि सर मैं तो बस इतना ही जानती हूँ। और इसका कोई फिक्स्ड रीजन नहीं होता। ओके, चलो ठीक है, आओ हम दिखाते हैं। वैसे मैं जो भी अभी लिखवाने वाला हूँ वो तुम्हें पता है। ठीक है, इसके चार पांच नाम है,
हमने किंगडम मोनरा में ही पढ़ लिया था, है ना, क्योंकि प्रोकैरियोट स्टार्ट होते ही हमने बोल दिया। क्या मुझे वो सारे चीज अभी लिखवाना चाहिए या नहीं लिखवाना चाहिए, तुम बताओ? नो नहीं लिखवाना चाहिए, तो मैं छोड़ देता हूँ। इसमें एक लाइन लिख लो, ट्रू क्रोमोसोम्स आर एबसेंट। अब ये ट्रू क्रोमोसोम क्या होता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? लिख लो, ट्रू क्रोमोसोम्स आर एबसेंट। हमने न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड का जो जो नाम लिखा था ना किंगडम मॉनरा में, वो सारे नाम यहाँ एप्लीकेबल है, ठीक है, सबके सब, एक एक नाम। इनमें जो डीएनए होते हैं ना, उसमें लिखना है दे हैव, इनके पास होते हैं डबल स्ट्रैंडेड। कैसे होते हैं डबल स्ट्रैंडेड को कैसे लिखते हैं, डीएस। क्या लिखते हैं? डीएस, ठीक है। दे हैव डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर सर्कुलर नेक्ड डीएनए। विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, है ना, या फिर नॉन हिस्टोन प्रोटीन लिख लो, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। मैंने तुम्हें हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बताया था, कुछ डायग्राम जैसा मैंने दिखाया होगा, याद करो। यस सर। ऐसा कुछ, और मैंने बताया होगा कि ये है हिस्टोन, ये है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन ऑक्टामर, जिसको चारों तरफ से लपेट के रखा है डीएनए, है ना। यहाँ हिस्टोन नहीं होता, यहाँ होता है नॉन हिस्टोन, पॉलीअमाइंस, ये सब, ठीक है। तो चाहो तो लिख लो नॉन हिस्टोन प्रोटीन, है ना। नॉन हिस्टोन प्रोटीन एक्चुअली में क्या होते हैं, एक पॉलीअमाइन, यानी अमाइनो ग्रुप जब बहुत सारे मिलकर जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। गॉट इट, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा, दैट न्यूक्लियोइड is connected to mesosome. अच्छा ये मुझे बताओ, ये कैसे mesosome से जुड़ा होगा, पेरिफेरल से या सेंट्रल mesosome से? सेंट्रल। वेरी गुड भाई, जो डीएनए तक पहुंचेगा उसी से जुड़ेगा ना, है ना। जो पहुंच ही नहीं रहा उससे कैसे जुड़ सकता है, है ना। हम लोगों का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग किससे होता है, जो पास होते हैं, पड़ोसी लोग, है ना। हमारे रिलेटिव तो दूर दूर होते हैं ना। हाँ, तो ऐसा ही कुछ, तो न्यूक्लियोइड जुड़ा होता है मीजोसोम से। अब इसका काम क्या, तुम सोच रही होगी सर इसका काम क्या, मुझे लगता है ये लाइन तुम्हारा क्लियर होगा, मैंने उससे पहले भी बताया था। डबल स्ट्रैंडेड, तो ऐसे सर्कुलर बना लो और इसमें डबल स्ट्रैंड भी लगा दो, ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेक्ड डीएनए, ठीक है। तुम सोच रही होगी सर ट्रू क्रोमोसोम फिर क्या होता है, ट्रू क्रोमोसोम इन्हें इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसका जो पार्ट्स होता है कुछ कुछ, ठीक है, वो ट्रांसक्रिप्शन या फिर टेक्निकली रेप्लिकेशन, वर्ड मेडल ये सही होगा, रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। ये रेप्लिकेशन यानी ये खुद को मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है, कुछ कुछ हिस्सा क्रोमोसोम के। अगर ये अभी नहीं समझ में आया है तो ये तुम्हें क्लास 12th में या फिर बायोमोलिक्यूल चैप्टर है इसी में, क्लास 11 में, उसमें मैं समझाने का कोशिश करूंगा। जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तब मैं बताने का कोशिश करूंगा, ओके। ये याद रखना अभी कुछ देर के लिए कि ट्रू क्रोमोसोम इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। डीएस का मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड, हम ऐसे ही लिखते हैं हम लोग बायोलॉजी में, ठीक है। सर्कुलर तो सर्कुलर बना दिया, डबल बना दिया। नेक्स्ट डीएनए होते हैं क्योंकि इनमें हिस्टोन प्रोटीन का पैकेजिंग नहीं होता, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट डीएनए कहते हैं, ठीक है, ओके। इसके अलावा न्यूक्लियोइड जो मीजोसोम से कनेक्टेड होता है क्यों, ताकि डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करे, है ना, एक डीएनए को दो डीएनए बना सके, ठीक है। दूसरी बात, ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करेगा, किस में हेल्प करेगा, सेल डिवीजन में, ओके ओके। अब मैं तुम्हें बताता हूं, इस मेन डीएनए के अलावा, है ना, दूसरा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी होता है प्रेजेंट, ठीक है, इस मेन जो न्यूक्लियोइड है इसके अलावा भी इसमें प्रेजेंट होता है, और उस डीएनए को क्या कहते हैं ये मुझे बताएगी परिकुल, मैं नहीं बताऊंगा। तुम बोलोगे सर आपने लिखवाया नहीं है, ये सही बात है, मैंने नहीं लिखवाया, मैं भी लिखवाता हूँ। तुम मुझे बताओगी परिकुल, कुछ आइडिया दोगे?
देखो थोड़ा तुम पढ़ो, थोड़ा हम पढ़ाते हैं, फिर पढ़ाई पूरा हो जाएगा, क्या कहती हो? यस ये तुम अगर बोलो तो पूरा पूरा मैं ही पढ़ा देता हूँ। मैं थोड़ा क्यों बोल रहा हूँ पता है, जो चीज हमने पढ़ रखा है ना, मैं बस उम्मीद करूंगा कि तुम मुझे बताओ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम काफी अच्छी स्टूडेंट हो, रिस्पॉन्ड तो करती हो क्लास में, कॉन्फिडेंस को और बूस्टअप करो। देखो गलत होगा तो यहाँ हम तुमको गोली या बंदूक तो मारेंगे नहीं, है ना, गलती होगा सीखेंगे। हो गया हो गया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहां से गोली या तोप चलाऊंगा, ऐसा लगता है क्या? नो सर तो फिर घबराना नहीं चाहिए भाई, गलती हुआ है तो सीखेंगे ना। तुम बोल भी सकती हो सर मुझे याद नहीं है, क्योंकि आपने नहीं लिखवाया था तो मैंने नहीं लिखा, मुझे याद नहीं, सिंपल। मुझे पता है तुम्हें याद नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे बार बार पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ, है ना। एक्चुअली इसे कहते हैं प्लासमिड, अब तुम्हें याद आ जाएगा, याद है मैंने बताया यस था, एफ प्लस बैक्टीरिया, एफ नेगेटिव बैक्टीरिया, यस याद सर आया? तो कैसे एफ प्लस बैक्टीरिया किसको कहते थे? सो एफ प्लस बैक्टीरिया जिसमें होता था प्लासमिड, है ना, यस सर जिसमें प्लासमिड होता होता था उसे एफ प्लस कहते थे, जिसमें नहीं होता था उसे एफ नेगेटिव कहते थे, है ना। एफ चलो प्लस मेन होते थे एफ नेगेटिव थ्री वेरी गुड, तुम्हें तो याद है सब कुछ, गुड। तो यही है प्लासमिड, एक लाइन लिख लो इसके बारे में, यही सारा कुछ, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। अच्छा देखो, प्लास्मिड से रिलेटेड एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले ये टर्म यूज किया था, लीडरबर्ग, बट मैं उसका नाम नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो साइंटिस्ट का नाम इम्पोर्टेंट है ना, वो मैं तुम्हें नोट करवाऊंगा, बट ये सवाल सब कभी आज तक पूछा नहीं गया, इसीलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। अगर सर ने तुम्हें नोट्स प्रोवाइड किए होंगे तो तुम उसमें एक बार पढ़ लेना, साइंटिस्ट वाइंटिस्ट का नाम होगा ना, देख लेना, बट मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। ओके सर ने नोट्स प्रोवाइड किए हैं क्या? यस सर ठीक है, मगर वो अभी मेरे पास आए नहीं है क्योंकि वो पापा के पास है, पापा दिल्ली में। ऑफलाइन मतलब प्रिंट करके दिए हैं क्या वो? मेल किए हैं पापा मेरे को, उसी से मेल कर देंगे, अभी किए नहीं है मुझे। ओहो, काफी लंबा प्रोसेस हो गया है ना टेक्नोलॉजी के जमाने में, हो सकता है आज ही उनको मिला होगा इसलिए, है ना। यस ओके, नहीं तो मिल जाता, कोई नहीं, तुम उसे पढ़ना, उसमें देखो बहुत सारी चीजें दी होंगी, बट मैं उतना चीजें तो तुम देखो कोई भी याद नहीं कर सकता ना, बट कंसेप्ट तो याद रख सकती हो, है ना। और सर बाकी चीजें याद रखने के लिए मैं जो तुम्हें लिखवा रहा हूँ ना, वो सफिशियंट है, एम्स के लेवल तक का तुम सवाल सॉल्व कर सकती हो आराम से, ठीक है। तुम्हें जितना भी सवाल मिलेगा, 90 क्वेश्चन मिलते हैं ना नीट में, तुम उसमें से तुम 89 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगी मेरे नोट से आराम से। एक क्वेश्चन बाहर से इसलिए आएगा क्योंकि एक क्वेश्चन जनरल नॉलेज से पूछता है वो लोग हमेशा, बायोलॉजी से रिलेटेड, है ना, कि मोदी जी इस बार कौन सा कार्यक्रम किए थे टाइगर बचाने के लिए, है ना, मछली कौन थी, ये सब पूछ सकते हैं। वैसे मछली का नाम जानती हो? ये सवाल नीट में पूछा गया नहीं था, यूपीएससी में पूछा गया था, एसएससी में, बैंकिंग सब में पूछा गया था। एक्चुअली ये एक बाघिन का नाम था जो रणथंभौर नेशनल पार्क में थी, ठीक है, और ये बहुत फेमस थी क्योंकि इसने सबसे ज्यादा अपना फोटो खिंचवाया था लोगों के बीच, है ना। सबका नाम होता है, जैसे एक और फेमस है रंभा वहां की, तो मछली मर गई इसीलिए उसके बारे में सवाल पूछा गया था, नीट में पूछा गया था कौन सी बाघिन मरी थी, उसका नाम बताइए, उसका नाम क्या था, और उसका नाम था मछली, ठीक है। स्पेलिंग चाहो तो कहीं पे लिख लो, याद रखना मछली, ये एक टाइग्रेस का नाम था। ओके, राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के रणथंभौर नेशनल पार्क में। न्यूज़पेपर तो पढ़ती होगी, है ना, फिर हो जाएगा। यस कौन सा पढ़ती हो, द हिंदू? सर हाँ फिर ठीक है, नहीं तो बहुत सारे मीडिया भी बायस्ड होते हैं, क्या करोगे।
प्लास्मिड हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली. अब देखो प्लास्मिड हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, इसका मतलब क्या हुआ? पहले तुम लिख लो फिर मैं बताता हूं. तुमने ये दोनों लाइन लिख लिया होगा ना? ठीक है, अभी मैं तुम्हें सब बता देता हूं. यह है हमारा, नहीं हमारा क्यों, यह एक बैक्टीरिया, ठीक है, यह है जेनेटिक मटेरियल उसका बिखरा हुआ. यहाँ पे हमने एक प्लास्मिड बना लिया, हमने यहाँ पे क्या बनाया, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, और इसे क्या कहते हैं, प्लास्मिड. ये एक्चुअली होते हैं डीएस सर्कुलर डीएनए, ठीक है, और ये सिर्फ किस में पाए जाते हैं, मोनरन्स में, ठीक है, खास करके यू बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं. ध्यान से सुनना, इसमें होता क्या है, ये हमारा ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये वाला ये तो खुद को मल्टीप्लाई कर ही सकता है, जिसे रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है, यानी ये एक है तो ये एक से कितना हो सकता है, दो, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन से पहले इन्हें दो होना पड़ेगा, ताकि एक उस सेल में जाए एक उस सेल में जाए, राइट? यस सर. ठीक है, अब यही टैलेंट किस में होता है तुम्हें मालूम है, यही टैलेंट इसमें होता है, यानी ये खुद इंडिपेंडेंटली रेप्लीकेट कर सकता है, यानी इसको किसी से कोई हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती है. समझ में आया, ये प्लास्मिड किसी से कोई हेल्प नहीं लेगा, ये अपना खुद से मल्टीप्लाई कर लेगा, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग इसीलिए कहते हैं. गॉट इट? यस. ओके, अब पहले मुझे समझाने दो फिर तुम कुछ लिखना. अब ये प्लास्मिड दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. किसके बेसिस पे? फंक्शन के बेसिस पे दो तरह के, एक जिन्हें कहते हैं फर्टिलिटी फैक्टर, यानी वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते होंगे, रिप्रोडक्शन के लिए, है ना, जिसमें सेल डिवाइड करे. फर्टिलिटी वर्ड उसी के लिए आ गया, जिसमें होगा वो फर्टाइल होगा, जिसमें नहीं होगा वो स्टेराइल होगा. तो ऐसे प्लास्मिड जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं या सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, वैसे प्लास्मिड को क्या कहते हैं, एफ फैक्टर. क्या कहते हैं? एफ फैक्टर, या फिर फर्टिलिटी फैक्टर, ठीक है. और ऐसे प्लास्मिड जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं उन्हें कहते हैं आर फैक्टर. उन्हें क्या कहते हैं? आर फैक्टर. अब दोनों में अंतर क्या है, देखो इस बैक्टीरिया के ऊपर तुमने कोई एंटीबायोटिक दिया, सपोज तुमने ले लिया कौन सा ले ले, एमोक्सिसिलिन. कौन सा लिया तुमने? एमोक्सिसिलिन. नाम सुना है तुमने एंटीबायोटिक का? या फिर तुम ले लो टेट्रासाइक्लिन. कौन सा ले लो? टेट्रासाइक्लिन. अब तुम टेट्रासाइक्लिन डाल दी हो पेट्री डिश में एमोक्सिसिलिन, फिर भी देखोगी ये मरा ही नहीं, ये तो ग्रो कर रहा मस्त, कुछ नहीं हुआ इसको. इसका मतलब जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट है जो इसको इन चीजों से बचा रहा है ना. और वो कौन सा होगा? आर फैक्टर. कैसा प्लास्मिड? जो रेजिस्टेंट करता है किसके अगेंस्ट? एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? आर फैक्टर. अभी आर फैक्टर के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा स्टडी करेंगे, बहुत ज्यादा, है ना. बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास 12th का 3-4 चैप्टर इसी के ऊपर है, ठीक है, सब प्लास्मिड के ऊपर. तो ये आर फैक्टर तुम्हें समझ में आया, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्लास्मिड होते हैं. और ऐसे प्लास्मिड जो रेप्लिकेशन या सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फर्टिलिटी फैक्टर. गॉट इट? यस सर. पक्का क्रिस्टल क्लियर है? यस सर. ओके चलो फिर लिख लो एक लाइन. प्लास्मिड्स आर ऑफ मेनी टाइप्स. प्लास्मिड्स आर ऑफ मेनी टाइप्स on the basis of their function, on the basis of their functions and and phenotypic characters. तुम सोच रही होगी सर phenotypic character क्या होता है? तो ये होता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है. सेल कैसा दिखेगा, कैसे बिहेव करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा? प्लास्मिड.
तो वो भी उस आधार पर भी अलग अलग होते हैं प्लास्मिड, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट, फर्स्ट टाइप एफ फैक्टर, या फिर ब्रैकेट में तुम क्या लिख सकती हो, फर्टिलिटी फैक्टर, क्या लिख सकती हो, फर्टिलिटी फैक्टर। ये प्लास्मिड होते हैं, ये क्या होते हैं, प्लास्मिड ही हैं, नाम है फर्टिलिटी फैक्टर। इसमें लिख सकती हो हेल्प्स इन सेल डिवीजन, हेल्प्स इन सेल डिवीजन, हो गया। ओके ठीक है, बहुत अच्छा। चलो अब इसमें एक लाइन और लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ एफ फैक्टर लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ एफ फैक्टर बैक्टीरिया आर ऑफ टू टाइप्स, बैक्टीरिया आर ऑफ टू टाइप्स। लिख लिया, ऑन द बेसिस ऑफ एफ फैक्टर बैक्टीरिया आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स होंगे, पहला एफ पॉजिटिव, या फिर मेल बैक्टीरिया। इसमें लिख देना है दे कैरी एफ फैक्टर एंड एक्ट्स एज डोनर, दे कैरी एफ फैक्टर and acts as donor. अच्छा तुम्हें मैं कुछ बताना चाहता हूँ, ये काफी अजीब सा हो रहा है, शायद तुम बहुत लकी हो, जब भी तुम्हारा क्लास रहता है उस वक्त लाइट आती है ना, और मैं तुम्हारा क्लास लेता हूँ लाइट चली जाती है, तो बाकी का क्लास ही नहीं हो पाता, और ऐसा 3 दिनों से हो रहा है। लिख लिया तुमने F plus male bacteria में? Yes, sir. They carry F factor and acts as donor. दूसरा लिखना है, क्या होगा तुम खुद बताओ, F negative या फिर female bacteria? They lack F factor, that's it. And they act as recipient. ये किसकी तरह act करते हैं? Recipient की तरह, ठीक है? They lack F factor and they act as a recipient. ठीक है, अब एक नोट डालो, है ना, कितना का डालना है तुम तो जानती हो, है ना, नोट डालो और लिखो, लिखो उससे पहले समझो, अगर डीएनए जो हमारे पास मेन डीएनए था ना, वो जो मेन डीएनए था ना जिसे क्या कहते थे, न्यूक्लियोइड, कहां गया ये, कहां गया ये वाला दिखा, अगर हमारा प्लास्मिड इससे अटैच हो गया, कौन सा वाला, एफ फैक्टर, अगर इससे अटैच्ड हो जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं एपिसोम, क्या कहते हैं, एपिसोम, ठीक है। इसमें लिख दो व्हेन एफ प्लास्मिड इज अटैच्ड विथ मेन डीएनए with main DNA, it is called episome. It is called episome. लिख लिया? Yes. ठीक है. And this type of cell, इसमें लिख लो, and this type of cell is known as HFR. HFR cell. ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, वोलमैन के ऊपर है HFR सेल। अभी भी मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या, मतलब जैसे बहुत, मतलब कैसा, ब्रेक होकर आ रहा या फिर बहुत कम आ रहा,
बहुत कम आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता, अभी भी देखो अभी भी कम आ रही है। सर आई थिंक आपका माइक थोड़ा दूर है। देखो, देखो। अब देखो अब सही है। यस सर। अब कैसा है परिकुल? अब सही है। अब सही है? यस सर। अभी भी नहीं सही है ना? ठीक है अब सही, सही है। अभी सही नहीं होगा, अब देखो अब सही होगा। अब देखो अब सही है, परफेक्ट। यस। ओके तो ये तुमने लिख लिया। अब चलो एक और तरह के प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज आर फैक्टर। बस उसमें एक लाइन लिख लो, आर फैक्टर में चाहो तो लिख लो रेजिस्टेंट, ब्रैकेट में क्यों लिखोगे, ऐसे ही लिखो रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। ठीक है, हो गया? यस सर। ठीक है फिर चलते हैं थोड़ा आगे। अब हम बात करते हैं स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। अब तुम याद करो, तुम बहुत दिनों से पढ़ रही थी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, है ना? और तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा ये है क्या। तो पहले मैं एक बात बता दूं, ये जो प्रेफिक्स ग्राम है ना, ये साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, उनका नाम था H.C. ग्राम। ओके, तो उन्हीं के नाम पे ये ग्राम वर्ड आया है। ठीक है, अब तो सुनाई दे रहे होंगे। यस सर, दे रहे। बट तुम रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हो। तो देखो स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया में सबसे पहले मैं कहानी बताता हूँ, टेक्निक बताता हूँ, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं। देखो बैक्टीरिया को स्टडी करना होता है ना, या कभी कभी दूसरे सेल ऑर्गेनेल को स्टडी करना होता है, तो हम उन्हें क्या क्या करते हैं, डाई करते हैं। क्या करते हैं? डाई करते हैं। ठीक है, ठीक है, हम उन्हें डाई करते हैं, डाई करते हैं ताकि वो बाकी जो चीजें वहां पे है उनसे अलग हो जाए और हमें अच्छे से दिखाई दे, नहीं तो ऑलमोस्ट चीजें ट्रांसपेरेंट होने लगती है। ठीक है, कलरलेस होता है तो दिख नहीं पाता ठीक से, हम स्टडी नहीं कर पाते। तो H.C. ग्राम ने क्या किया, बैक्टीरिया को डाई किया और फिर उस डाई को वॉश भी किया और फिर देखा उन्होंने कि इस आधार पर बैक्टीरिया दो तरह के हैं, क्योंकि एक को वो वॉश कर रहे थे तो उससे कलर हट जाता था, वो भी वॉश हो जाता था, बट एक में कलर नहीं जाता था। तो इस बेसिस पे उन्होंने बताया कि बैक्टीरिया आर ऑफ टू टाइप्स, विच रिटेन स्टेन एंड विच डू नॉट। तो उस आधार पर उन्होंने बोला एक ग्राम पॉजिटिव एक ग्राम नेगेटिव। डाई कैसे करते हैं वो देखो, हम क्या करते हैं एक क्रिस्टल वायलेट का डाई लेते हैं, क्रिस्टल वायलेट कलर का, है ना? पहले टेक्निक समझो और अभी मैं सवाल भी तुमसे पूछूंगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या करते हैं, एक स्टेन लेते हैं क्रिस्टल वायलेट का, जिसे जेनेसियन वायलेट भी कहते हैं, जिसे जेनेसियन वायलेट भी कहते हैं, जेनेसियन ये दोनों डाई है, ये दोनों क्या है, डाई, एक ही कलर का होता है, नाम अलग अलग है। इसको तुम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ लो, KI सॉल्यूशन के साथ लो और इसमें क्या करो तुम बैक्टीरिया को डुबो दो, है ना, बैक्टीरिया को पकड़ पकड़ के इसमें डुबा दो। ठीक है, हो गया। अब इसमें इसको क्या करना है, जब बैक्टीरिया को अच्छे से उसमें तुमने इस डाई में डुबो दिया और डाई को तुमने किसके साथ लिया है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, किसके साथ लिया है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, ओके ओके। अब तुम्हें क्या करना, बैक्टीरिया जब इसमें डूब गया तो कुछ देर बाद उसे निकालो और उसको तुम एसीटोन के साथ साफ करो। एसीटोन नाम तुमने नहीं सुना होगा शायद, या सुना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ ही नहीं होगा या हो चुका है? नहीं सर, ये स्टार्ट नहीं हुआ, मैंने नाम सुना है। नाम सुना है, फिर तुमने फॉर्मूला भी देखा होगा, CH3 CCH3 डबल बॉन्डो, नहीं सुना है? नहीं
इसका IUPAC नेम होता है इथेन टू ओन, ठीक है, इसका नाम होता है इथेन टू ओन, और एसीटोन इसका कॉमन नोमेनक्लेचर है, कॉमन नाम है। तो हमने क्या लिया, एसीटोन लिया, या फिर अगर तुम्हारे पास, तुम बोल सकते हो कि सर हमारे पास तो एसीटोन आएगा कहां से, है ना, तो मैं बोलूंगा ठीक है एसीटोन नहीं है तो तुम्हारे पास इथेनॉल तो है क्यों, ये तो होगा तुम्हारे पास। अब ये मत बोलना कि ये नहीं है सर, ये भी नहीं है, ये तो मिल ही जाएगा, क्यों बताओ परिकुल, इथाइल अल्कोहल नहीं मिल जाएगा क्या, ये तो दुकान पे ऐसे ही मिलता है ना, जाएंगे खरीद के ले आएंगे अच्छा क्वालिटी वाला, ठीक है, ये वही अल्कोहल है इथाइल अल्कोहल जो ह्यूमन लेते हैं, है ना, ब्रांड में जो आता है वो यही है इथेनॉल, अगर मिथेनॉल होता तो जहरीली शराब जो न्यूज में आता है ना, पॉइजनस वो वाले होते, ठीक है। अब हमने क्या किया, तुम्हारे पास एसीटोन है तो एसीटोन ले लो, इथेनॉल है तो इथेनॉल ले लो, इस बैक्टीरिया को अब इन चीजों से साफ करो, यानी इसको अब इसमें डुबो दो, ठीक है, जब ये हो जाए ना तो उसके बाद तुम क्या करना, इन बैक्टीरिया को निकाल लेना, और बैक्टीरिया को जब निकालोगी तो तुम्हें दिखेगा उसमें कुछ कुछ के पास कलर है, बाकी के पास कलर नहीं है, बाकी के पास कलर नहीं है, ठीक है। अब तुम्हें मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ाऊं, 5 मिनट बोलो, चलो मैं तुम्हें एक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नियम है, हाइड्रोफोबिक नाम जानती हो क्या होता है, फोबिक मतलब जो डरता है, हाइड्रो मतलब वाटर से, ठीक है, हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब लव, है ना, प्यार करता है किससे, वाटर से, ठीक है। तो देखो हाइड्रोफोबिक लिपिड्स क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक। अब तुम चाहे कितना भी कुछ कर लो, पानी में ऑयल को तुम मिला ही नहीं सकती हो, कभी मिला सकती हो क्या, यार इमिसिबल, कभी नहीं मिल सकते वो, क्योंकि तेल जो होते हैं, ऑयल होते हैं, दे आर हाइड्रोफोबिक, क्या होते हैं वो, हाइड्रोफोबिक, तो वो उसमें मिलेंगे ही नहीं, कभी नहीं मिल सकते, ठीक है। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, फिर अगर तुम्हें लिपिड को मिलाना है तो वो किस में मिलेंगे, लिपिड ऑलवेज डिजॉल्व्स इन लिपिड, कोई तेल वाले ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तुम बोलोगी सर ये तो अच्छे से समझ में नहीं आया, तो मैं बोलूंगा ठीक है और टेक्निकल टर्म का यूज करते हैं। एक नियम है और केमिस्ट्री का, ये याद रखना, पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर, क्या नियम है, चाहो तो कहीं लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैं बता रहा हूं, पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर, ये केमिस्ट्री का रूल है। ठीक है, और हमारा जो H2O है ना, ठीक है, ये होता है पोलर, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव दो बार चार्ज आता है, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ पोलैरिटी जनरेट हो गया ना, इधर नॉन, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, तो पोल्स तो जनरेट हो गए ना, बताओ। बट लिपिड्स में ऐसा नहीं होता, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, जैसे एसीटोन हुआ, इथाइल अल्कोहल हुआ। अब तुम अगर देखो, तुम्हारे पास अगर तेल हो, है ना, लिपिड वाला कोई भी, तो तुम क्या करो, उसको पेट्रोल में मिला के देखना, कभी आराम से डिसॉल्व हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तुम पेट्रोल को फिर से पानी में डिसॉल्व करके देखना, नहीं होगा, ठीक है। फिर लिपिड को तुम क्या करना, अल्कोहल लेके आना, अल्कोहल में डिसॉल्व करके देखना, झट से हो जाएगा डिसॉल्व, ठीक है। तुम चाहो तो इसको एसीटोन में डिसॉल्व करके देखना, आराम से हो जाएगा। तुम इसको विनेगर में डिसॉल्व करके देखना, आराम से हो जाएगा, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड, है ना, विनेगर को, C3COH, है ना, विनेगर, ठीक है, या इथेनोइक एसिड कहती हूँ। तो ये रूल है, तो मैं अब तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूं कि ये हुआ क्यों। तुम सोच रही होगी ना सर, कुछ के पास डाई रह गया, कुछ के पास नहीं रहा, ऐसा क्यों हुआ। तो चलो अब मैं तुमसे पूछता हूं ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के बारे में। चलो मुझे कुछ आइडिया दो भाई, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं है। बताओ परकुल, सॉरी परिकुल, बताओ अगर ग्राम नेगेटिव का बात करें
तो उनके ऊपर लिपोपॉलीसेकेराइड का लेयर होता है, बिकॉज दे आर बाई लेयर्ड सेल वॉल, दे हैव बाई लेयर्ड सेल वॉल, याद करो याद करो. Yes. ठीक है, तो मैं ऐसा लिख देता हूं कि उनके ऊपर लिपिड होता है और अंदर क्या होता है, प्रोटीन. ठीक है, याद करो ना स्ट्रक्चर मैंने बनाया था येलो वाला, जबकि इनमें तो भैया सिर्फ प्रोटीन होता है. तो अब देखो हुआ क्यों ऐसा. ठीक है, मैं काफी डिटेल में बता रहा हूँ, इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा. ध्यान से देखो, हमने इसको जब वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ वो क्या कहते हैं स्टेन में डाला था, तो ये सब क्या हो गया था, कलरफुल हो गया था. ये सब क्या हो गया था, कलरफुल. ऐसे ऐसे देखो, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ. ठीक है, ये सब कलरफुल हो गया था, और ये भी क्या हुआ था, कलरफुल हो गया था, बाहर से हुआ था ना. अब जैसे ही हमने एसीटोन में डाला तो प्रोटीन नहीं डिजोल्व होगा एसीटोन में. प्रोटीन बोलेगा भैया मैं तो डिजोल्व नहीं होने वाला, मैं तो इसमें डिजोल्व नहीं हो सकता, मैं तो पानी में डिजोल्व होऊंगा. ठीक है, तो वो तो उसमें डिजोल्व नहीं हो सकता, चाहे तुम एसीटोन ले लो चाहे तुम इथेनॉल ले लो, नहीं डिजोल्व होगा. लेकिन तुम जैसे ही एसीटोन या इथेनॉल लोगी, लिपिड वाला लेयर बोलेगा चलो मैं तो डिजोल्व हो जाऊंगा, मैं चला. और ये जो कलर था पर्पल वाला कलर, वो किसके ऊपर था, लिपिड जो बाहर में लेयर होगा उसी पे होगा, है या नहीं. तो लिपिड तो डिजोल्व हो गया भाई, लिपिड में ही कलर था वही चला गया. तो अब बताओ तुम ही, कलर बचेगा या नहीं बचेगा उसके पास, कलर तो नहीं बचेगा ना. देखो तुम्हें लगता है समझ में नहीं आया, अभी देखो मैं समझाता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, तुम कोशिश करना समझने का. ये है प्रोटीन का लेयर, ये है लिपिड का लेयर. देखो मुझे पता है मैं अच्छा डायग्राम नहीं बनाता हूँ, फिर भी तुम्हें कोशिश करना चाहिए समझने का, है ना. देखो ये ऐसे 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 पर्पल कलर पूरा आ गया, आया देखो, सॉरी पर्पल मैं बार बार बोल रहा हूँ, वायलेट कलर आया, बोलो परिकुल. लेकिन ये किस में आया, लिपिड वाले लेयर में आया है ना. और ये प्रोटीन तो बचा है अभी अंदर है. ठीक है, ये है ग्राम नेगेटिव का सीन, ये किसका है, ग्राम नेगेटिव. याद करो ग्राम नेगेटिव बाइलेयर था. अब ग्राम पॉजिटिव का हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू यू क्या ग्राम पॉजिटिव सीधा ऐसा होगा, ऐसा नहीं. बताओ ग्राम पॉजिटिव सीधा ऐसा होगा, और तुमने जो पर्पल कलर यूज किया है क्या वो सीधा इसी में आएंगे, हाँ कि ना, बताओ परिकुल. आएगा ना, बोलो. ओके अब देखो, मैंने बोला कि ये तो प्रोटीन का बना है, ये किसका बना है, प्रोटीन का बना है. तो ये प्रोटीन का जो बना हुआ है ये तो डिसॉल्व ही नहीं होगा एसीटोन में, ये प्रोटीन जो है ना ये एसीटोन में या फिर तुम्हारे इथाइल अल्कोहल में डिसॉल्व नहीं होगा. तो बताओ क्या ये डिसॉल्व हो, नहीं होगा, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा ना लेयर, बताओ. अब मैं बोल रहा हूं अगर ये प्रोटीन इस चीजों में डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि डाई करने के बाद तुमने बैक्टीरिया को इसमें डाला एसीटोन में इथेनॉल में, तो अगर प्रोटीन डिसॉल्व नहीं हुआ ये वाला लेयर, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा ना जैसे था. yes, ठीक है, लेकिन इसको तुम डालोगी तो इसमें एक लेयर डिसॉल्व हो जाएगा, और वो एक लेयर कौन सा है, ये वाला, ये हो जाएगा डिसॉल्व. देखो ये हो जाएगा डिसॉल्व, देखो हो गया डिसॉल्व. लिपिड बोलेगा भैया मैं तो डिसॉल्व हो जाऊंगा, देखो वो डिसॉल्व हो गया. ठीक है, वो क्या हो गया, डिसॉल्व. ठीक है, अब जब वो डिसॉल्व हो चुका है तो तुम मुझे बताओ कलर किस में देखने को मिलेगा, कलर तो सिर्फ इसी में देखने को मिलेगा, ये पूरा लेयर तो डिसॉल्व हो चुका, हट चुका है, गायब हो चुका है. तो इसीलिए ग्राम नेगेटिव में कलर नहीं रह पाता जबकि ग्राम पॉजिटिव में कलर रहता है. गॉट इट. मुझे लगता है मैंने काफी अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किया और तुम्हें 50% चीजें समझ में आ गई होगी. Yes. बस यही समझ में नहीं आया होगा कि सर आपने ये सब क्या क्या बता दिया, है ना. नहीं आया ना समझ में, ज्यादा नहीं आया होगा मुझे पता है. एक्चुअली मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता ना, इसीलिए, बिकॉज यू नो आई एम नॉट गुड इन केमिस्ट्री, तो मेरा केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं है.
चलो कोई बात नहीं, स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया टॉपिक कहाँ गया? यहाँ, तो टॉपिक जब यहाँ है तो लिखो पहला पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल HC ग्राम डिफरेंशिएटेड बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टेनिंग। आर फैक्टर नहीं, टॉपिक डालना है स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया उसके नीचे। और तुम्हें अगर इन चीजों का स्क्रीनशॉट लेके नोट्स अच्छे से बनाना है तो ले सकती हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो छोड़ भी सकती हो क्योंकि मैं तो लिखवाई हूँ। स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, इसमें पहला पॉइंट लिखना है मैं डिक्टेट करवा दूं परिकुल? ओके देखो फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट ऑफ ऑल HC ग्राम डिफरेंशिएटेड बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टेनिंग। रिपीट करें, आपकी आवाज थोड़ी वैसी हो रही है। फिर मुझे लग ही रहा था, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल HC ग्राम डिफरेंशिएटेड बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टेनिंग। अभी भी वैसे ही हो रहा है? यस सर। रुको मैं इसका कुछ इलाज करता हूँ। ओके नाउ, नाउ गुड। यस सर। ओके तो फर्स्ट लाइन लिखो, फर्स्ट ऑफ ऑल HC ग्राम डिफरेंशिएटेड बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। Differentiated bacteria on the basis of a staining. अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम बायोलॉजी को डेली, नहीं तो जब भी तुम पढ़ाई करती हो कितना टाइम देती हो ऑन एन एवरेज पर डे के हिसाब से, और वो भी ईमानदारी से बताना। ठीक है अभी के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा इसे 2 hour कर दो या कर देना बाद में, क्योंकि तुम्हें 1 hour रिवाइज करना भी तो पड़ेगा, पीछे वाला चीज है ना? Yes, sir. और अगर रिवीजन नहीं हुआ तो फिर तो बहुत गलत होगा, सब भूल जाएंगे हम, फिर डेली क्लास में कुछ न्यू ही रहेगा हमारे लिए, क्योंकि सब चीज तो भूल जाएंगे ना, तो फिर एक न्यू स्टूडेंट बन के आ जाना पड़ेगा तुम्हें। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल HC ग्राम ये तो तुमने लिख लिया होगा, इसमें लिखो क्रिस्ट, ये लिखो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आर स्टेन्ड विथ, बैक्टीरिया आर स्टेन्ड विथ क्या है, क्रिस्टल वायलेट, इसको अंडरलाइन कर लेना क्रिस्टल वायलेट, और जेंसियन, जेनेटियन है या जेंसियन, वॉयलेट ठीक है, बस इस इन दोनों को बस अंडरलाइन कर लो, क्योंकि ये नीट में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे, ठीक है, इसका कोई चांस नहीं है कि नहीं छोड़े, पूछते हैं वो। इसमें फिर लिखना दे आर वॉश्ड विथ, किससे वॉश करते हैं इन्हें, एसीटोन ठीक है, या फिर इसे कहते हैं इथाइल, इसकी जगह तुम ले सकती हो और इथाइल अल्कोहल ले लो, एसीटोन मिला तो ठीक, नहीं तो इथेनॉल तो चलेगा, अरे इथेनॉल। Yes, ठीक है ओके।
तो अब मुझे बताओ, जो बैक्टीरिया कलर मतलब रिटेन नहीं कर पाएंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? ग्राम नेगेटिव। वेरी गुड। अब मैं तुम्हें बता दूं, जो मतलब कि डीकलराइज हो जाते हैं, है ना, जो डीकलराइज हो जाते हैं उन्हें कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और इनको दोबारा देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से इसको काउंटर स्टेन करते हैं, किससे? सेफ्रनीन से, वो भी एक डाई का नाम है। ठीक है, तो एक चीज लिख लो, बैक्टीरिया बैक्टीरिया रिटेन स्टेन, बैक्टीरिया रिटेन स्टेन आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बैक्टीरिया रिटेन स्टेन आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एंड बैक्टीरिया विच डी कलराइज, एंड बैक्टीरिया विच डी कलराइज आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। लिख लिया, यस सर। विच आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विच आर काउंटर स्टेन्ड, विच आर काउंटर स्टेन्ड बाई सेफ्रनीन, विच आर काउंटर स्टेन्ड बाई सेफ्रनीन। ठीक है, सेफ्रनीन एक डाई है। तुम सोच रही होगी सर हमने उसे फिर से क्यों किया, है ना? तो सेफ्रनीन से इसलिए करते हैं क्योंकि हमें फिर तो देखना पड़ेगा ना कि भाई वो जिंदा है या मर गया है ना, कि एसीटोन में डाले अभी भी है या नहीं है, या निकल लिया वो ऊपर। ठीक है, यस सर। ओके। मुझे लगता है यहां तक किसी तरह का कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। नो सर। ओके, अगर तुम्हारे पापा को नोट्स मिलता है तो तुम मेरे लिए एक काम करके आओ, क्योंकि अभी इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो मैं सिर्फ तुम्हें समझा दूंगा, उसमें एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, वो खाना कैसे खाते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, अभी तो मैं सवाल डिस्कस करूंगा, तुम्हें काम ये करना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि ये ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, राइट? ऑटोट्रॉफ अगर होंगे तो ये फोटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, अभी लिखना मत, और कीमोट्रॉपिक भी हो सकते हैं या कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं ना, केमिकल एनर्जी से और लाइट सनलाइट की एनर्जी से। हेटरोट्रॉप में सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स तुम्हें लिख के लाने पड़ेंगे नोट्स में, फोटोसिंथेटिक का एक डेफिनेशन, कीमोसिंथेटिक का। इतना कर सकती हो, बताओ? यस पक्का? यस। मैं एक सेकंड इसको लिख लूँ बैक में कहीं। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, नोट्स ऑन न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ओके, यस ओके, हैव यू रिटन? यस ओके, वेरी गुड। ओके, सो लेट मी ज्वाइन फ्रॉम माय मोबाइल फोन एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस। ओके यस ओके, जस्ट वेट। ओके, कैन यू ज्वाइन मी अगेन इन द मीटिंग? फोन मत कट करना।